अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद जंगवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर रोज़ की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, गलगला इस तरह था अपोजिशन की तरफ से कि वो बिल्कुल माला जट बने हुए थे और कह रहे थे कि जी हम ये बिल किसी सूरत पास नहीं होने देंगे और हुकूमत को बुलडोज नहीं करने देंगे ये बिल। और दूसरी तरफ हुकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ था और अरकान पार्लियामेंट को घेर घार के और जिस तरह लाया गया या ख़ुद रजामंदी से आए जो कुछ भी हुआ। अच्छा, इतिहादी जमातों ने, जो हुक्मरान इतिहाद में शामिल जमातें थे, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि वो महज एक सादा से इशारे पर नहीं आएँगे बल्कि उनके बहुत सारे मुतालबात हैं और अगर उन मुतालबात मंजूर ना हुए तो शायद वो हुकूमत का इन बिलों की मंजूरी में पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में साथ नहीं देंगे। सब कुछ हुआ आ गया, हुकूमत ने मंजूर करा लिया, अब वो मोहब्बत से लाए गए या एजाज़ो इकराम से लाए गए जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब मामला ये है कि हुकूमत ने बिल भी अपनी मर्ज़ी के तमाम मंजूर करवा लिए, सेशन भी हो गया, इत्तेहादी जमातों में ने साथ भी दे दिया, अपोजिशन को शिकस्त भी होगी पार्लियामेंट में। महंगाई का मसला कब हल होगा? गैस मुँह ज़ुबानी आएगी या सच्ची मुच्ची भी फराहम की जाएगी बिला तातुल और सिर्फ दावे वादे गुफ्तगू लारे बल्कि लारे लपे यही जारी रहेंगे या लोगों को कोई सुख का सांस, कोई रिलीफ भी मिलेगा, बद्दुआएं ही लेनी है या कोई दुआ लेने का रास्ता भी कोई इख्तियार करना है, ये इस पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मेहमानान ग्रामी, तारुफ़ कराए देता हूँ जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुशीर ख़जाना पंजाब और साबिक विफाकी वज़ीर ख़जाना रहे जी। और दूसरे मेहमान मुकर्रम हैं जनाब उसामा कादरी साहब, मैंने हैं एमक्यूएम से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, शुरू आपसे कर लेते हैं कि ये जो ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ था, चूँकि इस पर सिर्फ दो तीन बिलों पर बात हुई, तो ये जो थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर ट्रांजैक्शन तरमीमी बिल, कंपनीज तरमीमी बिल और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल, इन बिलों का तज़करा अपोजिशन की तरफ से भी नहीं आया और हुकूमत ने भी इनकी कोई फजाइल बयान नहीं किए और वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ गोडे जीडा अंगूठा लगवाया और मामला चल पड़े। कोई लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और ये जो बिल मंजूर कराए गए हैं इनसे कोई आम आदमी को भी फायदा पहुंचेगा? शाह जी देखें, एक तो ये है कि ये तमाम जो भी बिल्स आए हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में हैं बिल्स, और इनके इन इश्यूज पे बहुत ज्यादा डिबेट भी पाकिस्तान में होती रही है और पिछले दिनों आपने देखा कि ऑपोजिशन और हुकूमती अदारों में जो बहस व मुबासा था वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता रहा, और जाहिर है कि अपोजिशन का एक अपना नुक्ता नज़र है और वो हुकूमत के नुक्ता नज़र से वो एग्री नहीं करते, और इसलिए ये तो जाहिर था कि उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं करना हुकूमत के साथ इन बिलों के ऊपर। तो हुकूमत ने के ये एजेंडे में थे, उनके मैनिफेस्टो के हिस्से में थे, तो उन्होंने उसके ऊपर अब काम कर दिया है, अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अच्छा, दूसरा ये जो शरह सूद में 1.5% इजाफा हुआ है, इसके क्या असरात होंगे जी? कोई बिजनेस पाकिस्तान में ग्रो करेगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा? देखें, एक तो ये है कि आपका जो रुपए की वैल्यू है वो खासी हद तक डिपेंड करती है कि रुपए को इन्फ्लेशन की वजह से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तो रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं अगर वो इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लेशन से भी कम होगा तो कोई भी रुपए को होल्ड करने के लिए तैयार नहीं होगा और रुपए की वैल्यू जो है वो गिरती चली जाएगी। अब जो लोग तो बचत करते हैं उनके लिए तो ये फायदेमंद चीज़ होगी कि उनको अपनी बचत के ऊपर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा,
और जो लोग कर्जे लेते हैं उनके लिए ये महंगा होगा कि उनको अब अपने कर्जे के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक जो सरमाया देते हैं और एक वो हैं जो सरमाया लेते हैं। तो जो देने वाले हैं उनको फ़ायदा है, जो लेने वाले हैं उनको नुकसान। अच्छा, और वो जो सुबह शाम बेचारे सुबह करके शाम को खाने वाले हैं, वो उनका क्या बनेगा जी? उसका भी उनका भी कोई इसमें किरदार, कोई फ़ायदा नुकसान होगा या बस वो बेड़ा रखी? देखें, अगर रुपये की कीमत में इजाफा आता है तो ओवरऑल मजमूई तौर पे इन्फ्लेशन जो है वो ज़रा कम हो सकती है, और इसलिए उसका भी जो मसला है इन्फ्लेशन का वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और आपको पता है कि ये इन्फ्लेशन जो है ये दो चीज़ों से इस वक्त चल रही है। एक तो ये है कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को सालाना 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, और 10 अरब डॉलर का मतलब है कि इतना ही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट आपके रिजर्व्स पे होगा, और अगर आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो फिर आपके रिजर्व नीचे गिरेंगे और डॉलर और महंगा हो जाएगा। सो ये बड़ी ही मुश्किल चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, और ये क्योंकि आलमी मंडियों में तेल की कीमत दुगनी हो गई है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी एनर्जी का दुगना हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी अब पाकिस्तान को इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ज़रात में जो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी पिछले 10 सालों में वो नहीं हुई, और ज़रात जो है वो कंपेटिटिव नहीं रही, और पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ गई है और हमें बहुत सी खुराक जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है, और खुराक भी जो है वो भी 40-50% इजाफा हो गया है फूड कमोडिटीज़ का इंटरनेशनली। तो इस वक्त बहुत हालात इंटरनेशनली भी बहुत ख़राब हैं। इंटरनेशनली आप देखते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के किराए हैं उनमें भी 10-10 गुना इजाफा हो गया, और हर चीज़ में आपकी जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं इस वक्त दुनिया में वो बड़ी डिसरप्ट हुई हुई हैं। तो दुनिया एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और पाकिस्तान भी एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो हमें सबको पता है। एक तो कर्जों का पहाड़ है, जो तकरीबन बैरूने मुल्क कर्जे हमने 100 अरब डॉलर के देने हैं, उसके सूद देने के लिए भी हमारे पास डॉलर नहीं है, और उसके सूद भी हमें कर्जा लेके देना पड़ता है। तो इस किस्म के हालात में आपकी इकॉनमी जो है वो खासे प्रेशर में है, और इसीलिए IMF के साथ भी बातचीत चल रही है, और वो भी बड़ी सख्त कड़ी आगे से शरायत रख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपसे जो काम आपने पहले नहीं किए वो सारे काम करेंगे, तो फिर वो आपकी मदद को आ सकते हैं। और इसमें बहुत सी काम जो हैं वो रिफॉर्म्स के हैं कि आपने नौकरीशाही को कम करना है, आपने रेगुलेशन को कम करना है, आपने इन्वेस्टमेंट को ओपन अप करना है, और आपने सुर्ख फीते को ख़त्म करना है, बिजली में जो आपके महंगी बिजली आप बनाते हैं या उसको सही करें या फिर उसका बिल अदा करें। तो इस किस्म की शराइत हैं जो हमें पाकिस्तान के ऊपर लागू हो रही हैं, और उसकी वजह ज़्यादातर हमारी अपनी गफलत है, क्योंकि हमने ना कोई डैम बनाया 40 साल से, ना कोई और हमने रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी की दी है कि जिसका आपको बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े। ठीक हो गया, ठीक हो गया है यहाँ पे। जी जी, सूरज इतना है आपके शामिल कर लेते हैं। कादरी साहब, ये हुकूमती इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं बिलखसूस MQM, अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या खोया क्या पाया जी पार्लियामेंट के इस मुश्तरका सेशन से,
पहले की जो गुफ्तगू थी और उसके बाद क्या खोया और क्या पाया जी पाल इसने एम के एम ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एम क्यू एम के मुतालबात और उसका मौकफ आज भी बिल्कुल वाज़े है, उसी तरह कि जिस तरह पहले दिन अपने मौकफ के साथ वो यहाँ पर खड़ी। जिस वक्त हमने पीटीआई के साथ मुआहदा किया, उस वक्त हमने अपना 11 नुकाती मुआहदा रिटर्न में उनके साथ साइन किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के बाद उसमें से 2 अहम तरीन मुतालबात वो इस वक्त जो अभी ये जॉइंट सेशन था इसमें जो है उसमें एम क्यू एम कामयाब हुई हैदराबाद इंस्टीट्यूट जी के उसमें पहला मुतालबा यही था हमारा कि मर्दम शुमारी दोबारा कराई जाए जी। अब आपको मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदगी का ऐवान, उसमें जो है वो ऐवान सिर्फ मैं ना मानू वाली बात के ऊपर की ये मुतालबा तो पीपल्स पार्टी सिद्धिका भी था कि मर्दम शुमारी पर उनके भी तहफात थे जो उन्होंने रिटर्न में वफाक को लिख कर दिए थे। ये मंजूर हो गया जी मुतालबा? सुनिए जी, जी सुनिए, अब उसमें हुआ ये कि बगैर किसी संजीदा माहौल के उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किए बगैर, ये सोचे समझे बगैर कि ये तो मुतालबा एम क्यू एम का नहीं बल्कि ये सिंध की हुकूमत का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खुद था, तो उसमें जो है उन्हें चाहिए था कि उन बिलों के ऊपर वो जो है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था कि ये बिल जो है वो उन्हीं की वजह ये भी बना, तो उन्होंने जो है उस बिल को यानी मंजूरी के लिए अपना वोट देने के बजाय उन्होंने उसको इनकार में सर हिलाया। तो अब उनकी जो दरख्वास्त विफाक में आई हुई थी, जो एतराजात विफाक में आए हुए थे, तो वो अवाम के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? ये तो हो गया पीपल्स पार्टी का, आप सियासी किरदार की बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एम क्यू एम ने क्या खोया पाया जी, कि सिर्फ एम क्यू एम की बात हो रही है? एम क्यू एम ने शायद खोया भी हो, लेकिन पाया ये है कि 22 करोड़ आवाम के लिए ये एक शफाफ आजादाना और मुनसिफाना मर्दम शुमारी के उस हक को तस्लीम करा लिया हुकूमत से जो उसका दरीना मुतालबा था कि शफाफ मर्दम शुमारी की जाए ताकि आने वाला इलेक्शन जो 2023 में होना है वो जो है वो नई हल्का बंदियों के ऊपर किए जाए। यानी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले अब मर्दम शुमारी होगी, और ये कब से शुरू होगी जी, जरा इसकी कोई बता देंगे कि आपको जो यकीन दहानी कराई गई हो तो? देखिए, 2020-21 का बजट जो है इसमें 5 अरब या 6 अरब रुपए जो है मर्दम शुमारी के लिए रख दिए गए हैं। अब ये कानूनी सुकम था कि एक जो है वो आईनी तौर पर कानूनी तौर पर जो है उसको असेंबली से पास कराकर उसको जो है लाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून भी पास हो गया, बन गया है, और अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी उसमें टाइम लगता है 15 महीने 18 महीने वो हुकूमत के पास मौजूद है, और हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी के साथ अपने बनाए हुए इस कानून के ऊपर अमल करे और 22 करोड़ आवाम की मर्दम शुमारी उनके जायज और कानूनी हक के तहत करा दे। और ये हैदराबाद इंस्टीट्यूट वाली, दूसरा जो है ये हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंसेज, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ये मसला ये एमक्यूएम का पहले दिन से असेंबली के अंदर मुतालबा था, आज से नहीं बल्कि 1988 से जब से एमक्यूएम असेंबली में आना शुरू हुई है, लेकिन इस पर भी जो है आज तक किसी भी सियासी हुकूमत ने जिनके साथ वो बरतर इकतदार रही और अपने कांधों पर बिठाकर असेंबलियों में इन दोनों जमातों को 3-3 मरतबा उसने मसनद वजीर आजम तक पहुंचाया, तो लेकिन आज की मुशर्रफ साहब का भी तस्करा कर दीजिए जिनको आपने बरकरार भी रखा जी, तो आज जो है जिस हुकूमत ने इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की वो इसका संग बुनियाद जो है वो रख दिया गया था, इसकी जो है वो चीजें डिसाइड हो चुकी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून बनकर जो है आ गया और इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्दी अमल दरामद भी शुरू होगा और हैदराबाद शहर के आवाम का जो 70 साल दरीना मुतालबा था उसकी उसकी पहली बुनियाद जो है वो एम क्यू एम ने रख दी है, तो अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि न सिर्फ अंदरून सिंध के लोगों को बल्कि हैदराबाद शहर के लोगों को
एक एक जो है एक नया इदारा एक नई यूनिवर्सिटी और मिल जाएगी कि वो वहां से तालीम हासिल करें और पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अच्छा, जो मुतालबे आपके मंजूर नहीं हुए, ऑफिसेज खोलना, आपके बंदों की रिहाई वगैरह वगैरह वगैरह, ये और आप उन दफातर की आपको वापसी, उसमें क्या रुकावट बताई गई है जी? देखिए, हमारे दफातर जो है, अब इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ जो है वो कल अदम जमातों से मुदाखलात भी किए जाए, दूसरी तरफ कल अदम जमातों को जो है दोबारा सियासी सिनेरियो में जो है उनको जो है दोबारा एंट्री भी दी जाए, और एक ऐसी वतन जमात जिसने सब कुछ अपना इस पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया, और उसके साथ ये नारवा सलूक जो है वो मेरा ख्याल ये है कि जेब नहीं देता हुकूमत को, और उन्हें चाहिए कि ये तो 3 साल का अरसा ये गुजर चुका है इस हुकूमत को, और उससे कबल जो है हमारे ऑफिसों की बंदी, उसके बाद भी अगर अगर हमारी नीयतों पर शक है तो वो हमें बता दे, या फिर दूसरा तरीका वही है कि हम जो है रोडों पर निकले और जिस तरह लोगों ने अपने मुतालबात गाड़ियों को जलाकर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जख्मी और शहीद करके अगर ये किया तो शायद अब ये काम हमने नहीं करना, तो हमें बता दिया जाए ताकि फिर हम अपनी आवाम के पास चले जाएं और बोले कि अगर आप जो है इस ये किससे गिला कर रहे हैं कादरी साहब, ये किससे गिला कर रहे हैं? आप तो खुद हुक्मरान इत्तेहाद हैं भाई, आप अपोजिशन में। देखिए, मैं हुक्मरान इत्तेहाद हूँ, लेकिन मैं जो है अपने उन गुनाहों का कुफारा उतना ही अपने जिम्मे लूंगा जितनी मेरी मुझे कैबिनेट में नुमाइंदगी है। मुझे इख्तियार वो हासिल नहीं है कि मैं जो है मैं अकेला कुल मतलब अननान हाकिम की तरह कोई फैसले कर सकूं। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि पास की इख्तियार होता तो आज हम जो है हम पाकिस्तान की तमाम मुस्बत जमातों को एक यानी मसावात की बुनियाद के ऊपर हम सियासी आजादी भी देते और उन्हें पूरा इख्तियार देते कि वो भरपूर तरीके से जो है सियासी तौर पर आजाद रहकर अपने अपने अंदाजे सियासत से पाकिस्तान की जमातों में सियासत को मजबूत करें, जमहूरियत को मजबूत करें। कादरी साहब, ये क्या अगर ये मुतालबा मंजूर ना हुआ आपका और ये मुतालबात मंजूर ना हुए बाकी के, तो आप क्या करेंगे जी? ज्यादा से ज्यादा भी क्या करेंगे? अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ये कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे? अपनी गुजारिशात, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां और ये तमाम की तमाम तर चीजें कराची के अवाम से पर्टेन करती हैं, दिल्ली के शहरों के अवाम से पर्टेन करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, आयरा दिखा रहे हैं कि देखिए हम जो है एक कानूनी और आईनी तरीके के ऊपर हम जो है ये चाहते हैं कि हमें भी मुकम्मल सियासी आजादी दी जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी, ताकि हम ये फैसला कर लें कि हमने इस पॉलिटिकल सिस्टम में रहना या नहीं रहना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब उसामा कादरी साहब रोज न्यूज़ के साथ रहने का, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब रोज न्यूज़ के साथ रहने का। कमर्शियल ब्रेक, जी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला दीगर मेहमानान ग्रामी के साथ जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको खुशामदीद, और हुकूमत और अपोजिशन के माबैन ज़ुबानी कलामी गुफ्तगू का और मुकाबले मुजादले का मैच जारी है जी, और आवाम बेचारी जो है वो देख रही है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। हुकूमत ने जो कुछ किया वो तो लोग भुगत ही रहे हैं और 3 साल से भुगत रहे हैं और उम्मीद है अगले 2 साल भी भुगतते रहेंगे, लेकिन अपोजिशन ने जो कुछ किया है हुकूमत के साथ, आम आदमी के साथ, वो भी बेचारे देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से वापस चले जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अपना बोरिया बिस्तर उठा के G9 से चले जाते हैं, आज तक नहीं बताते धंधा क्या हुआ। पीपल्स पार्टी के भी ऐसे ही मामलात हैं, बाकी भी ऐसे ही फिर आ रहे हैं, जमात इस्लामी वाले वो बारोबारी ऐसे ही ज़ुबानी कलामी, उनके भी धंधा जारी है। बहरहाल जी, इस पर जो माहिरीन हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मेहमान मुकर्रम जो हैं उनका मैं तारुफ कराए देता हूं। जनाब आरिफ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब,
वालेकुम सलाम, माहिर कानून हैं जी, और कौन इनको नहीं जानता। और दूसरे मेहमान मुकर्रम हैं जनाब अखुंदज़ादा चट्टान साहब। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब। वालेकुम सलाम। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और नामी शख्सियत है। चौधरी साहब, ये ज़रा चूँकि दो तीन चार बिलों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक, कुलभूषण, अच्छा जी ये जो बाकी हैं, मुस्लिम फैमिली ला तरमीमी बिल, एंटी रेप यानी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल, और इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन तरमीमी बिल, क्रिमिनल ला तरमीमी बिल, और कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज तरमीमी बिल, इनकी भी कोई वैल्यू है कि नहीं है जी? क्या इससे कोई कोई सहूलत, कोई इस पे तो किसी ने बात ही नहीं की। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। तकलीफ दे बात यह है कि लेजिस्लेशन करने का ये तरीके कार नहीं है जो अपनाया गया है, और ना ही ये जो दो हाउसेज हैं उसका ये मुश्तरका इजलास बुलाना जो है ये कोई तरीके कार है जिसे पसंद से करार दिया जाए। बेसिक मंशा जो थी वो ऐवान जेरी और ऐवान बाला बनाने की ये थी कि पहले बिल जो है वो ऐवान जेरी में आए, वहां उस पर बहस हो, फैसला। अखुंदज़ादा चट्टान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, ये बताइए कि ये हुकूमत से तो लोगों ने, जो लोगों के साथ बीत रही है तन पे, रोटी पे, खुराक पे, वो तो बीत ही रही है, क्या आप इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे कि अपोजिशन भी आवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी, मैं आपके इस बात के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, और आवाम भी समझते हैं, मैं खुद भी समझता हूँ कि इस महंगाई का, इस बेरोजगारी का, एक ये पाकिस्तान के तन्हाई का, ये करप्शन 9 दर्जे ऊपर जाने का, इस सब का जितना जिम्मेदार हुकूमत है, इतना जिम्मेदार इसकी कोलिशन है, इतनी जिम्मेदार इसका अपोजिशन है। और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे मुबरा है, क्योंकि हमने अपोजिशन को कई बार कह दिया कि ये हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत है, और अगर हम सारे मिल बैठ जाते हैं तो इनसे कोलिशन नाराज है, इनसे अपने जो पीटीआई के लोग है वो भागने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बेचारे भी तो अवामी नुमाइंदे हैं, वो अपने हल्कों में नहीं जा सकते इस महंगाई की वजह से, वो अवामी तकरीबात में नहीं जा सकते, वो लोगों के शादियों और पौधियों में नहीं जा सकते, तो वो भी तैयार है कि इस जलालत से इनका भी जान छूट जाए, जो रोज रोज लोगों को लोगों के बददुआएं लेते हैं, जो लोगों को ताने सुनते हैं, तो इनसे उनको भी निजात मिले। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और पहले पंजाब में और फिर मरकज में इस हुकूमत का खात्मा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि कैसा होगा, तो हमने उसके लिए एक डेमो भी चला दिया कि चलो हम गेलानी साहब को इलेक्शन लड़वाते हैं और देखते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं। हमने वहां से इलेक्शन लड़वाया, गेलानी साहब को जितवाया भी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दोस्त है जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, वो समझते हैं कि जब तक बुजदार रहेगा पंजाब में लोगों को शहबाज शरीफ याद आता रहेगा, जब तक इमरान मुसल्लत होगा पाकिस्तान पे और लोगों के ऐसे रुलाएगा, लोगों की जिंदगी को ऐसे अजीरन कर देगा, हफ्ते में 3-3 बार गैस के बिलों में इजाफा होगा, गैस के रेट में इजाफा होगा, पेट्रोल में इजाफा होगा, डॉलर होगा, और लोग तकलीफ में होंगे तो उसको नवाज शरीफ याद आएगा। ये इनका फार्मूला है, ये उनका कहना है, कुछ गर्वेली मार मिला के कोई किसको वजीर आजम नहीं देखना चाहते, कोई किसको वजीर आजम, बहरहाल वो इनका अपना मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन अगर सारे मुत्तहिद हो जाए और संजीदगी से कोशिश करे कि इस हुकूमत को घर भेज दे और आवाम को इस जो रोज पाकिस्तान के आवाम के जिंदगी में मुश्किल है इनसे निजात दिलाए और पाकिस्तान को कैदी तनहाई से निकाल दे। हमारा हम एक मिता करते हैं, आप हमारा एक वजीर खड़े हो के कहते हैं कि भाई हमारा रियासत जो है वो आपके पसंदों के साथ या इंतहा पसंदों के सामने सरेंडर कर गया,
और हम इसके मुकाबले की रियासत इसके लिए तैयार नहीं है, क्या ये कहने वाली बात यह है? क्या पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क है? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो मुल्क है कि जो कामयाबी है नेटो फोर्सेस को अफगानिस्तान में हासिल नहीं हुई, जिस दहशतगर्दी पे जिस हालात पे उन्होंने लीबिया में काबू नहीं पा सके, जिस हालात पे वो इराक में काबू नहीं पा सके, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो कामयाबी चीज पे काबू पा लिया। ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक हो सकती है और ठीक होगी भी, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही है शहबाज शरीफ के हवाले से पंजाब में, क्या पीपल्स पार्टी भी ठोक बजा के ये कह सकती है कि उसका भी वजीर आला जो है वो वहाँ पे बहुत दूध और शहद की नहरें बहाए खड़ा हुआ है, जहाँ पीपल्स पार्टी एक दहाई से ज़्यादा अरसे से हुक्मरान है, यानी सिंध? देखिए जिस सिंध को हुकूमत ने एक ऐसा एजेंडा बनाया है, शुरू में ये लोग इख्तदार में आ गए तो अपने ललायकों को अपने अहलियों को अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये लोग कहते थे कि ये सारा सब कुछ माजी की हुकूमतों की वजह से है। अब जब तीन साल हो गए, तीन साल में जब ये माजी की हुकूमतों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। वो तो पिछली बातें हो गई ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात करें चिटान साहब, सिर्फ अपनी कारकर्दगी की बात करें, दूसरों को छोड़ दें जी मेहरबानी करके, अगर दो चार फिक्रों में फरमाएंगे तो मुझे सहूलत हो जाएगी, फिर मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाता हूँ। जी आप फरमाइए। अब हुकूमत ने एक अंतरा बनाया है कि गंदम का बोहरान है तो सिंध हुकूमत, चीनी का बोहरान है तो सिंध की वजह से। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन मैं ये बात दावे से करता हूँ कि 8 साल पीटीआई की हो गई, पंजाब में भी इन लोगों की 3 साल का हुकूमत है, बलूचिस्तान में है 3 सूबों की हुकूमतों से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, कम अज कम हेल्थ में, एजुकेशन में, सड़कों में, पावर्टी में सिंध हुकूमत की बहुत बेहतरीन कारकर्दगी और दबा 3 सूबों के जो वजीर आला है, चाहे वो यानी आपके ख्याल में बाकी 3 सूबों से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की। चलें मुराद अली शाह है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, रात कोशिश कर रहे हैं। चलें आरिफ चौधरी साहब, ये जो कवानीन की आप बात कर रहे थे बीच में, वो मेरा ख्याल है लाइन में कोई डिस्टर्बेंस हो गई थी, इस पे ज़रा कोई रोशनी तो डालें कि ये जो कवानीन आए हैं ये इनसे कोई बहुत फ़वाद हो जाएंगे और अपोजिशन इन पे क्यों नहीं गुफ्तगू करती, और ये इस जो है ला के हवाले से ज़रा इस पे ज़रा हमारी रहनुमाई करें। जंगी साहब, पहली बात तो ये कि लेजिस्लेशन जो होती है ना वो बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसका में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, और लेजिस्लेशन पूरे मुल्क को पता चलना चाहिए कि ये बिल है, और खास तौर पे जो पार्लियामेंटेरियन है उनके पास वो सारे बिल मौजूद हो और उसके ऊपर बहस हो। अब हैरान कौन बात यह है कि ये 33 जो उन्होंने बिल पास किए, ये मतलब इस शताब्दी से और इस तेजी से और इस सूरत के साथ पास किए कि जिसकी किसी को समझ नहीं कि कौन सा बिल कहाँ क्यों पास किया गया। एक दो बिल जो खास तौर पे जो बड़े नुमाया रहे वो ईवीएम वाला मामला था, या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने वाली बात थी, या तीसरी जो थी कलभूषण की मजबूरी थी, कलभूषण वाली मजबूरी है। मैं ये समझता हूँ कि उसके बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैलाई जा रही है, बहुत सारे लोगों ने कलभूषण के हवाले से मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब बातें की। असल बात यह है कि उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि जी आपके पास राइट ऑफ अपील है इसके लिए नहीं है ना, आपने राइट ऑफ अपील नहीं दिया हो, तो ये बात कानूनी बात है, और अगर राइट ऑफ अपील आप दे देते हैं तो उससे कौन सा ये साबित हो जाता है कि जनाब फौरी तौर पर कलभूषण जो है वो रिहा हो जाएगा। अपील तो आपने सुननी है, उसी फोरम ने सुननी है जिसमें आप उसी हायरार्की में आगे अपील का प्रोसेस है, वो उन्होंने सुननी है, मेरिट पे सुननी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत में होता है वो हर चीज समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसी कर रहा हूँ कि जिसका जवाब नहीं, और जो अपोजिशन में होता है वो कोई ऐसी बात जो मुल्क के अपने इंटरेस्ट में होती है उसके बारे में भी उसकी कोई ऐसी यानी दयानतदारी से बात नहीं करता। अभी आप देखें मैं पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत ही प्यारे चितान साहब को तो आप के साथ अक्सर मैंने इनके साथ बहुत दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, और बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन बात यह है कि उन्हें
मुराद अली शाह की कारकर्दगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो क्या करे, आप वो कहते हैं जी बहुत अच्छी है। हालांकि यकीन माने कि जो यहाँ के करप्ट यहाँ जो काम कर रहे थे ना, जो यहाँ माल बना रहे थे जी, वो वहां अब उन्होंने मोर्चा बदल दिया। जब से वहां सिर्फ हुकूमत महदूद हुई है तो वो सारी कार्रवाई जो है वो वहां हो रही है, और आप समझते हैं कि ये जो बैरिया टाउन और वहां सारा कुछ हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में है कि क्या क्या किया गया वहां की जमीनों के साथ, और क्या हर रोज हो रहा है, और किस तरह दवाइयां नहीं है लोगों के पास, किस तरह सारी सिचुएशन है। मामला ये है कि हमें अक्रॉस द बोर्ड पास करने वाली बात तो खत्म हो गई है यहाँ पाकिस्तान में। आप देखिए ईवीएम जो है इसको जिस तरह उन्होंने मशीन करार दिया, शैतानी मशीन, यानी इवन विशियस मशीन, ये भी हैरान कौन तो तकलीफ से बात है कि खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जी। इसके अंदर जो खराबियां हैं, मिसाल के तौर पर अक्सर कहा जा रहा है कि ये जो आर्टिकल 226 है उसकी खराबंदी होगी इससे कि जनाब इससे सीक्रेसी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो इसका तदारक किया जाए। अच्छा, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, उसको रोकने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये तो जरा रहनुमाई कर दें कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ये अगर अदालतों में भी हो जाए, जहाँ पे लखुखा केसेस पड़े हुए हैं और लोग दीवानी अदालतों में, निचली अदालतों में जलील और रुसवा हो गए, वो कहते हैं जी दादा लवे पोता हंडावे, मैं वो पड़े हुए हैं दादे का फैसला पोते तई होता, तो क्या वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है, मुमकिन नहीं है या हो नहीं सकता, कोई 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 जरा इस पर तो जरा रहनुमाई फरमा दे। बात ये है कि जंगवी साहब टेक्नोलॉजी जो जिन्होंने इस्तेमाल करनी है उन्हें कौन मजबूर करेगा कि वो आगे बढ़े और काम करे। फैसले तो टेक्नोलॉजी तो वहां यही है ना कि आप लिस्टों के मामले में या फैसले लिखने के मामले में यही वो आपके पास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन जिसने फैसले लिखाने हैं, जिसने अदालत में बैठना है, जिसने इंसाफ करना है, उसको अगर आप मेरिट पे नहीं लाते तो उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप देखें दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है उसके बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं तो क्या ख्याल है। उसके बाद भी आप अदालतों को नहीं अंदाजा हो रहा, ऊपर जो बैठे हैं उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें इतना कुछ करप्शन और इतना कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन जंगवी साहब इस तरह लोग निजाम के साथ खेल रहे हैं और जिसकी जो चाहे मर्जी। मैंने अभी ये केस में एक दोस्त आया, उसे मशवरा दे रहा था, तो मैंने कहा आप ये जो सिस्टम है उसी का मैंने हवाला दिया कि मैंने कहा ये आप इसको ये तरीकेकार इख्तियार करें तो यूं समझे कि 10-15 साल वैसे चले जाए, यानी मतलब है कि आप उस तरीकेकार को बदलने के लिए तैयार नहीं है, मक्की पे मक्की मार रहे हैं। और दूसरा ये है कि किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है ये सिस्टम को बदलने में। मक्खी नहीं मर रही, बंदे मर गए। मुहावरे की बात कर रहे हैं आप, सही है, उसे टो कर रहे हैं, उसी सिस्टम को टो कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जो बहुत पुराना है। अब उस पुराने मिसाल के तौर पर आप एविडेंस एक्ट है उसको आपने अभी तक उसको आपने नहीं जदीद तकादों के मुताबिक नहीं देखा है, और ये जो अभी साइबर क्राइम आया है, ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसको अगर जंगवी साहब ना लाए, आप इसके अंदर एविडेंस एक्ट में ना लाए और इसको तस्दीक ना करें तो कैसे होगा कि ये सिस्टम जो है, यानी मतलब इस इंतवा का सिस्टम है, स्टेटस को का सिस्टम है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और खासतौर पर आज चीफ जस्टिस साहब ने जब तकरीर की है और उन्होंने कहा जो जिस तरह की बातें की है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, भाई अगर आपके ऊपर दबाव नहीं है तो फिर जंगवी साहब फैसले क्यों नहीं होते। वो कहते हैं कि जी इतनी कूड़ी टी ये क्यों टावा टावा छाए, ये एदा नाई छतरी ये छाने के दा ना है। वाह वाह, यानी अगर अगर आप देखिए आप पे दबाव कोई नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे हैं, तो आपके व्यक्ति मौजूद है, तो फिर रोना किस बात का है। ठीक हो गया, ठीक हो गया चैसा, हो चुका है। अच्छा चैसा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन चितान साहब से एक बिल्कुल छोटा सा सवाल, और उसका अगर कोई प्रिसाइज सा, और चूंकि ये ज़बरदस्त आदमी हैं और ठोक बजा के बात करते हैं, तो चितान साहब ये 33 बिल और हुकूमत हो या अपोजिशन के अरकान, ये एक
क्या ऐसा है होगा कि तमाम अरकान ने, ये तमाम पास करने वालों ने भी ये पढ़े होंगे सारे के सारे, और इसकी सारे जो है असरात का भी जायज़ा लिया होगा, और अपोजिशन वालों ने भी लिया होगा इसकी मुखालफत करते वक्त, क्या क्या ऐसा हुआ होगा, या वही गोडे जिडा गुठा? देखिए जी, ये बिल जिस तरीके से पास की गई है और जिस तरीके से बुलडोज की गई है आजादी अक्सरियत के साथ, वो तो आरिफ चौधरी साहब ने आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाया, इसका नजीर नहीं मिलता है पार्लिमानी तारीख में कि कभी पाकिस्तान में इस तरह का कुछ हुआ है, छोटा सा छोटा नहीं, मेरा मेरा चूंकि प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में ना चट्टान साहब, तो मेरा मेरी ख्वाहिश ये है कि जरा ये रहनुमाई फरमा दें कि ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने, आपके ख्याल में, आपके तो दोस्त भी हैं और आप तो खुद पार्लियामान का हिस्सा रहे, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और इतने बिल कोई पढ़ सकते न, इतने बिलों पे बहस हो सकते, और सारे बहुत हसास बिल थे। आरिफ चौधरी साहब ने एक बात की राइट ऑफ अपील का, तो मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट जो फैसले देते हैं इसका राइट ऑफ अपील का हक पहले से है, पिशावर हाई कोर्ट में ने फैसला किया और फैसले की, और मिलिट्री कोर्ट ने जिन लोगों को डेथ पेनल्टी दी थी उसको बरी कर दी, तो राइट ऑफ अपील का हक था। मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने जो कानून साजी की है ये उन्होंने उसको एक नारू दिया है। चले चले, ये तो से पूछ लेते हैं, पाकिस्तान का कोई जासूस इंडिया में पकड़ा जाए तो उसको ये सहूलत और इसके लिए इस तरह का बिल शिमली में आ जाएगा और वो पास हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूं इस तरह जी। आरिफ चौहान साहब, बस सिर्फ चंद सेकंड हमारे पास बाकी रह गए जी, ये इससे मजीद नीचे ले जाने के लिए दुनिया भर में जो हमारा निज़ाम इंसाफ का नंबर है, इसको इससे मजीद नीचे जाने से बचाने के लिए जरा कोई तजवीज हो सकती है आपकी, लेकिन चंद सेकंड में चुके हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए। तजवीज ये है कि तमाम जितनी भर्तियां हो अदालतों में जज जो रखे जाए वो मेरिट पे रखे जाए, और रिश्तेदार जज रखने वाला तसव्वुर जो है, यानी यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी अदालतें, उन्होंने ये तय कर दिया है कि जो एक दफा आ गया है सारी उसी की फैमिली आनी है, और जब आप जब तक मेरिट पे भर्तियां नहीं होती और जब तक लॉस जो है, ये जो हुकूमत ने मेहरबानी की है 33 साल, काश कि ये एविडेंस एक्ट को भी तरमीम उसकी भी करते और कोई मुअसर अंदाज की कानून साजी करते जिससे हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो बस सिर्फ एक छोटा सा सवाल और उसका हाँ या ना में जवाब दे दें कि क्या इस वक्त जो जजेस भर्ती होते रहे हैं और हो रहे हैं, क्या वो मेरिट के बरक्स होते हैं? बिल्कुल मेरिट के बरक्स होते हैं, okay, मेरिट के ऊपर ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ चौहान साहब और अखुंदजादा चट्टान साहब रोज़ न्यूज़ के साथ रहने का। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू है ये आपने सुनी है, अब निज़ामे इंसाफ में भी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आम पाकिस्तानी वोटर को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक मिला है तो उनको भी मिले, जो बेचारे इंसाफ के हुसूल के लिए रुस्वा होते हैं, ख्वार होते हैं, और बहुत सों को तो उनके मरने की कहीं बाद जाके इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो सका। अच्छा, आखिरी बात ये कि आज बच्चों का आलमी दिन था, हम अपने गिरबान में झांक के देख सकते हैं और हमारी सरकार देख सकती है, ये पिछली सरकारें देख सकती हैं कि जो बच्चे स्कूल में जाने से, 2.5 करोड़ बच्चे अगर स्कूल में जाने से अगर बाहर हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या तरीका होगा इन सबको स्कूलों में लाने का, और बस महंगाई का खात्मा करने की भी कोशिश करें। आप फातेहे ठहरे, मेहरबानी फरमाइए, आम आदमी को रिलीफ दीजिए, गैस दीजिए, ज़ुबानी कलामी ना दीजिए। अल्लाह आपको हम सब का आमीन आसर हो। जाय जंग भी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह वारिस।